ये रिश्ते क्या कहलाता है, मैं एक तरफ उदार फैमिली की आंखों में इस गम के आंसू होंगे कि अब रोहित कभी नहीं लौटेंगे। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि रोहित उनसे दूर जा चुके हैं और इसी वजह से अब दादी सा, क्योंकि रूही की मांग से सिंदूर मिटाती नजर आने वाली है। रूही का रोहित से तो रिश्ता जुड़ा था, अब उस कैद से मानो रूही को आजाद करती नजर आने वाली है। तब गोयनका फैमिली भी वहां पहुंच जाएगी और कुछ ऐसा कहती नजर आने वाली है जिसको भी दादी से एक्सेप्ट कर लेंगी और वो होगी रूही की दूसरी शादी, क्योंकि गोयनका फैमिली वालों ने रूही के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ लिया है जिससे वो उसकी दूसरी शादी कराना चाहते हैं। इस बात को भी दादी सा एक्सेप्ट करती नजर आने वाली है, पर क्योंकि वो दादी सा है इसीलिए एक शर्त रखती नजर आने वाली है और वो शर्त इतनी स्वीट एंड सिंपल होगी कि गोयनका फैमिली वाले उस शर्त को मानते नजर, और वो शर्त होगी ये कि रूही की डोली पोदार हाउस से ही उठनी चाहिए। वहीं अब हम देखने वाले हैं फैंस की जहां पर इस बार के बारे में भी अरमान रूही को समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन शायद इस बार अरमान की कोशिशें नाकाम होने वाली है। पिछली बार अरमान के कहने पर ही रूही ने रोहित से शादी कर ली थी, पर क्या अब रूही इस दूसरी शादी के लिए भी किसी एक ऐसे पर्सपेक्टिव को सोचकर हाँ बोल देंगी जो कि शायद अरमान को जेलस करते ये पर्सपेक्टिव होगा। वही दूसरी तरफ अब क्योंकि अभीरा अरमान के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ती नजर आने वाली है, तो ये भी ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में एक लेकर आएगा नया। देखने वाली बात ये होगी कि रूही की दूसरी शादी और अभीरा का अरमान के खिलाफ पोदार फैमिली के खिलाफ केस लड़ना, इन दोनों ही ट्विस्ट को किस तरह से एक साथ लाकर ये रिश्ते क्या कहलाता है कि कहानी में यू टर्न लाएंगे मेकर्स, उसके लिए देखते हैं ये रिश्ते क्या कहलाता है। स्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चल देन, बाय बाय एवरीवन।